दोस्तों, उम्मीद है बिडिंग सैंपल्स बड़ी डिटेल से समझ लगी होगी. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दी असेसमेंट रिजल्ट सो फार. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये थम्स अप. ये बात हुई, अब आप माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं टू गेट स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, और एक से बढ़ के एक इंशाल्लाह रॉक करेगा फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस को. अपनी प्रेफरेबल फ्रीलांस मार्केट प्लेस जो आपकी चॉइस होगी, जो आपकी पसंद होगी. हमने बिडिंग को बड़ा डिटेल से डिस्कस कर लिया, आगे भी करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी बिड का रिस्पांस आ गया तो फिर क्या करना है? पीएमबी खोल दिया. अब आपको पीएमबी खोलवाने के इतने नुस्खे बता दिए, डायरेक्ट रिस्पांस, एस्किंग अ क्वेश्चन, गिविंग अ फ्री सैम्पल और समथिंग. ये सारी चीज़ें जो आपको बिड सैम्पल्स में बताई हैं, समझाई हैं, इनका मकसद ही यही है कि एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड खोले. एक दफ़ा पीएमबी खोल गया तो मैं आपको एक बात कई दफ़ा बोल चुका हूँ और फिर दोहरा दूँ, हम पाकिस्तानी वैसे ही शेर हैं माशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल में, बट दैट डजंट मीन यू शुड नॉट वर्क ऑन योर बिजनेस डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब यहाँ ही से तो पार्टी शुरू हुई है. पार्टी शुरू इस तरह हुई है कि अगर आप एम्प्लॉयर को प्रॉपर रिस्पॉन्स ना दे सके, अगर आपका जो पीएमबी का इनिशियल रिस्पॉन्स है वो तगड़ा ना हुआ, वो वक्त पे ना हुआ, उस पे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स प्रॉपर ना हुए, तो गेम को क्या होगा? ख़त्म हो जाएगी. और क्या होगा? एम्प्लॉयर ने किसी और के साथ भी तो पीएमबी खोला होगा, खाली आप ही तो नहीं है पूरे जहान में. तो ज़रूरी ये है कि एक दफ़ा आए तो छोड़ना नहीं, ये लोहे का बाजू, एक दफ़ा आए तो छोड़ना नहीं है, उसको घेरना है, अपना लोहा मनवाना है और बताना है कि आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं है, हमसा हो तो सामने आए. लेकिन वो क्या बातें जो एक रिस्पॉन्स को इफेक्टिव बनवाती हैं? हाउ टू क्राफ्ट एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स. तीन बातें आपके समातों के नज़र करता जाऊंगा, उन तीन को फॉलो कीजिएगा, बट दैट डज नॉट मीन यू शुड ओनली फॉलो ऑल दोज थ्री पॉइंट्स. कम अप विद योर इनोवेशन. ये तो मेरी इनोवेशन है ना, 10 साल का मजमुआ मार खा खा के कि रिस्पॉन्स कैसे करना है, जवाब कैसे देना है. आप अपना तरीका कार ढूंढिए. मिसाल के तौर पे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? हाँ, अब आपने डिफरेंट रिस्पॉन्स दिए. किसी ने कहा वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूं. एक ने कहा वालेकुम सलाम, खैर है. आपने कहा वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? उन्होंने उल्टा मेरे से भी सवाल पूछ लिया. वालेकुम सलाम, अल्लाह का फजलो करम है. हर एक का रिस्पॉन्स फर्क है, राइट? मैसेज एक ही है, खैरियत दरियाफ्त करना. सिमिलरली पीएमबी में भी तीन जो मैं आपको पॉइंट्स एलिमेंट्स बताने जा रहा हूं, उनका मैसेज एक ही है, बट यू कैन यूज इट डिफरेंटली. You can use it according to your choice. To begin with, greetings hain. Hello. Greetings. Thank you for your response. Kuch bhi likhna chahe, jisse usko ye lage ki aap uska istiqbal kar rahe hain. Dusri cheez, usko appreciate karna. Aapne badi mehnat ki ke employer PMB khole. Bade aapne formula apply kiye direct. By giving an offer, by asking a question. तीन ही बातें होती है ना भाई. आपकी मेहनत का फल ये निकला कि PMB खुल गया और employer ने अपना मकसद भी बयान कर दिया. अब दूसरी बात, आपको उसका शुक्रिया अदा करना है, और शुक्रिया अदा करने के साथ at the same time उसके सवाल का और उसके PMB ओपन होने का जवाब देना है. क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर हमने एक बिड की और बिड के रिस्पॉन्स पर एम्प्लॉयर ने कहा के यस आई वुड लाइक टू सी अ फ्री मॉकअप. ये हो गया ऑफर वाली बात. दूसरी बात क्या हो सकती है? आपने सवाल पूछा था, ख्वातीन हज़रात, सवाल का जवाब मिल गया. आपने पूछा क्या ऐसा है? उसने कहा हाँ ऐसा ही है, लेकिन, और उसने अपने अल्फाज में लिख दिया. तीसरी बात, आपने कन्वर्सेशन इनिशिएट करने की ख्वाहिश का इजहार किया. कैसे? आपने कहा स्काइप पे आ जाइए, बात हो सकती है. उसने कहा हाँ भाई आ जाओ, स्काइप पे बात हो सकती है. अब बताओ
आप क्या करोगे, आप स्काइप का आईडी दोगे और आप ऐड करोगे, तीनों बातें यही होगी। तो आपने फौरन ग्रीटिंग्स के बाद शुक्रिया अदा करना है, थैंक्स फॉर ओपनिंग पीएमबी, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस जेस्चर, तारीफ करनी है, और उसके बाद उसके सवाल का जवाब दे दीजिए या उसने जो मकसद बयान किया है उसका रिस्पॉन्स दीजिए। मॉकअप की बात करता है तो बताइए, हाँ आई एम विलिंग टू डू द फ्री मॉकअप, यू शुड गेट दैट इन दैट टाइम फ्रेम। यानी अगर मॉकअप का सवाल था, ऑफर के नतीजे में एम्प्लॉयर ने रजामंदी जाहिर की, तो आप पे अब लाजिम है कि आप अपनी कमिटमेंट को ऑनर करें, बट विद अ टाइम फ्रेम एज वेल। कि ठीक है जी, मैं मॉकअप बनाने जा एग्री करता हूँ, 24 से 48 घंटे में आपको मौका मिल जाएगा, टाइम फ्रेम दे दिया। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर आपको जवाब देगा, थैंक यू हिशाम, आई लुक फॉरवर्ड टू योर मॉकअप इन 24 to 48 hours। दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, ग्रीटिंग्स के बाद अगर वो सवाल का जवाब दे देता है तो आप पे फिर लाजिम है कि आप ये लिखिए कि फाइन इनफ, आई विल फॉलो योर गाइडलाइंस, और उस पर अगर आगे कोई सवाल बनता है तो पूछ लीजिए। खत कताबत ही चलानी है ना, सिलसिला ही चलाना है ना, जितनी क्लैरिटी चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में वो मांग लीजिए। पहले आपने एक सवाल पूछा था अपनी बिड में, अब आप एक और सवाल पूछ लीजिए, आपको जवाब आएगा, उसके नतीजे में अगर कोई और सवाल बनता है तो पूछ लीजिए। आपने अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करनी है, द रीज़न वाई यू आस्क्ड अ क्वेश्चन इज बिकॉज यू वॉन्टेड टू क्लियर अ कन्फ्यूजन, और वो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करा रहा है। ही अंडरस्टैंड्स एज एन एम्प्लॉयर कि भाई आप बड़े सीरियस हैं अपने काम में, आपने एक लॉजिकल सवाल पूछा है, इसको तो जवाब सबसे पहले दूंगा। तीसरी बात, आपने कम्युनिकेशन चैनल इनिशिएट करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो कहता है कि मेरा ये स्काइप आईडी है, इसको ऐड कर लो। अब आप पे क्या लाजिम है, आप पे लाजिम है आप स्काइप आईडी ऐड कीजिए और फौरन उसको इनविटेशन भेजिए स्काइप से। अगर उसने ईमेल की है तो फौरन ईमेल का जवाब दीजिए। ये जहन में रहे कि कोशिश कीजिए कि जो कम्युनिकेशन पीएमबी से बाहर होती है उसको पीएमबी के अंदर राउट कर दीजिए। क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, सारी कम्युनिकेशन एट वन प्लेस रखते हैं पीएमबी के अंदर, ताकि हम अगर डाउन द रोड कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई तारीख से रिलेटेड इशू आ जाए, कोई कन्वर्सेशन में ग्लिच आ जाए, वी कैन ऑलवेज फॉल बैक एट डेट्स, और पता लग जाएगा कौन गलत है, मैं या आप। ये ना बोल देना कि उसको ये कहेंगे पता लग जाएगा कि कौन गलत है, मैं या आप, या अगर तारीख में गड़बड़ हुई तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्लीज़ रिस्पेक्टफुल रहना है। सो दिस इज हाउ यू क्राफ्ट अ रिस्पॉन्स टू अ पीएमबी मैसेज। आगे चल के ये जानना ज़रूरी है, टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, आपका मैसेज का कॉन्टेंट, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़, ये तमाम चीज़ें कितने मायने रखती हैं इन पीएमबी।